एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स में चार पांच ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसमें हमें जो है डीवैल्यूएशन हमें देखने को मिला है। तो इसी प्रकार से इन कार्ड्स के साथ एक और डीवैल्यूएशन हमें रातों रात देखने को मिला है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक और डीवैल्यूएशन एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ में क्या हुआ है, इसको इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड और एक्सिस का जो मैजोन क्रेडिट कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स क्यों डीवैल्यू हुआ, इसी के बारे में भी एनालिसिस करेंगे। तो इतने डीवैल्यूएशन होने के बाद क्या हमें जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड और मैजोन क्रेडिट कार्ड को अभी रखना चाहिए या बंद करा देना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करके भी जरूर जाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमें जो है क्या नया डीवैल्यूएशन एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर हमें मिला है। तो अभी क्या है, यहाँ डीवैल्यूएशन जो है गिफ्ट वाउचर पर हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे नया डीवैल्यूएशन की बात किया जाए तो एक्सिस गिफ्टर यानी कि एक्सिस GYFTR पर डीवैल्यूएशन की बात किया जाए तो जब भी हम गिफ्ट वाउचर परचेस करते थे यहाँ से, तो यहाँ हमें जो है पॉपुलर जो ई कॉमर्स की जो गिफ्ट वाउचर्स होती है लाइक अमेजोन पे, अमेजोन शॉपिंग का गिफ्ट वाउचर, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, क्रोमा, टाटा क्लिक, स्विगी और भी ऐसे जो है पॉपुलर ब्रांड के जो भी गिफ्ट वाउचर्स होते हैं, वहाँ पे 5x से लेकर 10x एज रिवार्ड पॉइंट हमें जो है एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर, हमें जो है गिफ्ट वाउचर परचेस करने पर हमें जो है यहाँ 10x रिवार्ड पॉइंट तक हमें जो है यहाँ पे एज रिवार्ड पॉइंट मिल जाते थे। लेकिन यहाँ अब डी वैल्यू होने के बाद यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे गिफ्ट वाउचर परचेस करेंगे तो जो भी पॉपुलर ब्रांड्स है तो मोस्टली वहाँ पे तो सिर्फ 2x एज रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे या तो फिर 3x, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आपको सिर्फ जो है 5x रिवार्ड पॉइंट आपको एज रिवार्ड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर। एक्सिस बैंक के कार्ड्स का डी वैल्यू होना तो मुझे समझ में आता है, लेकिन इस तरह से गिफ्ट वाउचर परचेस करने पर इस प्रकार से डी वैल्यू नहीं होना था। एटलीस्ट यहाँ जब भी हम इनके कार्ड से जो है गिफ्ट वाउचर परचेस करेंगे तो एटलीस्ट 5x to 10x रिवार्ड पॉइंट तो हमें जो है मिलना ही चाहिए था। अब रहा सवाल कि फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड और एक्सिस का अमेजोन क्रेडिट कार्ड, ये दोनों ही कार्ड क्यों डी वैल्यू हुआ। देखिए दोनों ही कार्ड का डी वैल्यू होने का यहाँ कई रीजन है, लेकिन जो मेन रीजन है वो उसको अब मैं अभी बताने वाला हूँ। यहाँ फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड की यहाँ बात किया जाए तो पहले मिंत्रा पर 5% का अनलिमिटेड कैशबैक दिया करती थी, लेकिन अब इस पर आपको जो है 5% का कैशबैक नहीं मिलने वाला, सिर्फ 1.5% का कैशबैक मिलेगा। तो जब से यहाँ पे जो है कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना ये जो मिंत्रा के साथ मिलकर अपना को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, तो इस तरह का जो अलग से जो है सिर्फ मिंत्रा के लिए यहाँ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, तो यही रीजन है यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड एक प्रकार से डी वैल्यू कर दिया गया है। तो वहीं हम यहाँ बात किया जाए एक्सिस माईजोन क्रेडिट कार्ड की भी बात किया जाए तो पहले जो है स्विगी पर जो है सिर्फ 200 का ऑर्डर करने पर यहाँ ₹120 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता था और जो है ये महीने में 2 बार मिलता था। तो इसी प्रकार से अब जो है आप डी वैल्यू होने के बाद यहाँ बात किया जाए तो मिनिमम ₹500 का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तभी जाके ₹120 का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, डिस्काउंट मिलने वाला है। तो महीने में आपको 2 बार ये डिस्काउंट तो मिलेगा, इसमें चेंजेस नहीं किया गया है। यहाँ पे इस कार्ड का भी डी वैल्यू होने का यही रीज़न है, यहाँ पे जो है HDFC और स्विगी दोनों ही मिलकर अपना अलग से स्विगी पर स्पेंडिंग के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यहाँ लॉन्च कर दिया गया है, तो यही रीज़न है इस कार्ड का भी यहाँ डीवैल्यूएशन हमें देखने को मिले। तो अब रहा सवाल कि क्या हमें जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड और अमेजोन क्रेडिट कार्ड को रखना चाहिए, यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या बंद करा देना चाहिए। एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड की यहाँ बात किया जाए तो ये कार्ड अभी भी आपको फ्लिपकार्ट पर स्पेंडिंग करेंगे तो आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक देती है। तो यहाँ पे आपको जो है सिर्फ जो है 490 का यहाँ एनुअल चार्जेस आपको पे करना, तो चार्जेस भी इस कार्ड का उतना ज़्यादा तो नहीं है, इजीली जो है फ्लिपकार्ट पर स्पेंडिंग करेंगे तो इसके चार्जेस को आप रिकवर कर पाते हो। अगर आप रही बात की यहाँ आप जो एनुअल फ़ी को वेवर करने की बात किया जाए तो पहले भी 2 लाख स्पेंडिंग करना पड़ता था जो कि डिफ़िकल्ट था, अब तो और भी डिफ़िकल्ट हो गया 3.5 लाख का स्पेंडिंग करना है। तो इसको जो है एनुअल फी को वेव ऑफ करना के चक्कर में आपको नहीं रहना है, आप नॉर्मली भी स्पेंडिंग करेंगे तो इसके एनुअल चार्जेस को आप इजीली रिकवर कर पाते हैं आप। अब रही बात क्या हमें जो है माईजोन क्रेडिट कार्ड को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो स्विगी पर पहले अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ मिलता था, तो अगर आप स्विगी पर ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं तो जैसे HDFC बैंक का यहाँ स्विगी क्रेडिट कार्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च होता है डेफिनेटली उसको आप अप्लाई कर देना, उसके और भी अच्छे खासे बेनिफिट आपको उसमें देखने को मिलेगा। बाकी ये माईजोन क्रेडिट कार्ड को, एक्सिस बैंक का माईजोन क्रेडिट कार्ड को चाहे तो आप रख सकते हो, जो भी एक्सिस बैंक की ओर से 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट सेल वगैरह आता है डेफिनेटली उसके लिए आप जो है रख सकते हो।
तो अगर जो है ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिला है एक्सिस बैंक का जो माई जन क्रेडिट का, तो नो डाउट आपको क्लोज बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको रखे रहना है। ये तो आपको जो है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, 5% इंस्टेंट डिस्काउंट वाला जो भी सेल मर्चेंट सेल ऑफर आता है, इसको आप डेफिनेटली यूज़ करते हैं। इसी प्रकार सेम चीज़ फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड की भी बात किया जाए तो लाइफ टाइम फ्री है तो कोई बात नहीं, तो उसको आपको तो रखना ही है। अगर चार्जेबल कार्ड है तो एक बार सोचना पड़ेगा। तो नो डाउट एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड जब तक जो है फ्लिपकार्ट पर 5% का अनलिमिटेड कैशबैक देगा तो वो कार्ड आपको डेफिनेटली अच्छा है, क्योंकि इतने बड़े फ्लिपकार्ट का जो प्लेटफॉर्म है, इतने सारे आपको शॉपिंग के वहाँ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली अभी भी फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड रहेगा। अमेजोन क्रेडिट कार्ड की भी यहाँ बात किया जाए तो अभी भी आप इसको रख सकते हो। जैसे ही यहाँ जो है HDFC का जो स्विगी क्रेडिट कार्ड लॉन्च होता है उस कार्ड के लिए डेफिनेटली आप जा सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। चैनल पर नए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।